दादा आपका तरीका मुझे नहीं जमने इसलिए ये मेरी पूरी ऐसी बनी है। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि पूरी बनाई जाए, क्योंकि धर्म दादा बहुत अच्छी सूखी लौकी की सब्जी बनाते हैं, तो वो उन्होंने आज मेरे लिए बनाई है। हलवा कल का रखा हुआ है और मैंने बोला कि चलो दादा थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाते हैं आप। वाह क्या गोल बनाया है। तो इनकी आदत है कि ये पूड़ी तेल में मल के जो है बेलते हैं और ऐसे एकदम प्रॉपर राउंड हो भी जाती है। और मैं जब बनाती हूँ तो मैं पूरी भी सूखे आटे में ही कम सूखा आटा यूज करती हूँ, लेकिन उसी में बेलती हूँ तो वो राउंड बनती है। मैम ये देखो, हमने हल्का सा तेल लिया, हाँ, इसको इधर लगाया, हाँ, और एकदम राउंड बनेगा, है कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मेरा नहीं बनता ना, मेरा उसी में तो वो कोन निकल गया था अलग से। हो गया, हो गया, वेरी गुड। देखो क्या बात है। तो ये है हमारे धर्म दादा जो पूरे ऑलराउंडर हैं, इनसे कुछ भी करवा लो। क्या हो रहा है प्यारे, देखा है ना अली छोया है बेबी। और ये हो गया रेडी यमी यमी खाना, सूखी लौकी की सब्जी, पूरियां एंड हलवा। बन गया बेड पक्का, एकदम फिट। क्या किया आपने? क्या किया, क्या किया आपने? नहीं नहीं, हाँ। उधर क्या किया आपने? क्या किया? ध्यान मैं हमेशा ये उल्टा भी जाती हूँ मैं। तो ये गड़बड़ मम्मी पिछले पता नहीं कितने समय से कर रही है, बैंडा वाली जो शीट है मम्मी हमेशा उसे उल्टा बिछाती है, बोलती ठीक तो है। आज मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि मम्मी वो कर रही है, लेकिन मैंने सोचा आज बताऊंगी नहीं, डायरेक्ट शूट करूंगी। एंड फिर मैं आ गई सबा के घर वॉक करने के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। हो गई है वॉक, 55 मिनट्स मैंने वॉक कर लिया, एक घंटा अचीव करना था, लेकिन नीचे से मम्मी का फोन आ गया कि रूहान थोड़ा उठने जैसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आज बहुत अच्छे से वॉक हो गई, बाकी नीचे चल के बात करती हूँ। क्या हो रहा है? रूहान उसको मिरर में आ देखो, रिफ्लेक्शन दिख रही है। ओह बेबी कितने हैप्पी हो, बाल दिख रहे हो, ओए छोटू। सो गई अगले दिन की सुबह और मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। आज मेरा कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं है, यूजुअली मैं बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ, लाइक प्रॉपर ऑमलेट वगैरह, बट आज मन नहीं करा, कभी कभी होता है ना, तो आज इसलिए धर्मराज ने ज़बरदस्ती ला के पपाया एक बोल भर के रख दिया है, जो उसमें से बाहर निकल रहा है कि नहीं ये तो आप खाओ। तो पपाया सिर्फ टोस्टेड ब्रेड विद चीज़ ब्रेड एंड चाय आज मैं यही खा रही हूँ। एंड कल पूरा दिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज थोड़ा बिजी थी, और अक्रम आया था उसकी अम्मी और अप्पी को साथ में लेके, तो हम लोग सब बैठ के जो है मस्ती मजाक चल रहा था, गप्पे चल रही थी, फिर हमने साथ में खाना खाया। आज प्लान है बाहर निकलने का, बाहर जाने का, और नानी की यानी कि मेरी मम्मी की शॉपिंग कराने का। अभी फ़िलहाल रूहान को सुला के आई हूँ, वो सो रहा है मस्त, मम्मी बैठी है वहाँ पे, और मैं तब तक अपना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं। बुल्ले नीली कपड़े पहने हाँ, ओ नीली कपड़े पहने हैं, अरे नहीं नए तो नहीं है, कहाँ जा रहा है घूमी करने? ओ ओ कहाँ जा रहा है घूमी करने बताओ, हाँ कहाँ जा रहे हो? सीधे कैमरा में देख रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? So, मैं हो गई हूँ रेडी, लेकिन निकलने से पहले ना मैं थोड़ा अपना
पेट में कुछ हेल्दी हेल्दी डाल दूं, क्योंकि मैंने आज वैसे भी आपको बताया कि मैंने बहुत हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया है, लेकिन एनी विच वेज भी आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छे हिसाब से जाना बहुत ज़रूरी। और मैंने आपके साथ हमेशा इससे पहले भी शेयर किया है कि मुझे ये प्रोटीन बहुत अच्छा लगता है, जो कि है एच के वाइटल्स का प्रोटीन अप विमेन। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, तो जो कोई भी नॉनवेज नहीं खाता हो वो भी इसे आराम से ले सकते हैं। सो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के साथ साथ ये हमारे एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन करता है। इसमें है बायोटिन, जो कि हमारे बालों को हेल्दी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है। उसके साथ साथ इसमें है विटामिन सी एंड कोलाजिन बिल्डर, जो कि हमारी स्किन में ग्लो लेके आता है। स्पेशली जब आप एक नई मॉम होते हो ना, तो आपके अंदर इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं कि सारे विटामिन लेवल सब कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। उस टाइम पे प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना है ये आपके वेट से रिलेटेड होता है। अगर आप पूरा दिन बहुत लो डल फील कर रहे हो, जल्दी टायर्ड हो जाते हो, आपके स्किन हेयर एकदम डल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। तो इसका क्या हल है? विद अ प्रोटीन रिच डाइट, सबसे ईजी तरीका है अपनी डाइट में एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना। एंड सबसे अच्छी बात, एच के वाइटल्स प्रोटीन अप विमेन स्पेशली डिजाइन किया गया है हम लेडीज की बॉडीज के लिए, फॉर विमेन्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। सो आप इसे कभी भी ले सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट की तरह या आफ्टर वर्कआउट। कुछ नहीं, एक ग्लास पानी में आपको एक स्पून ऑफ प्रोटीन पाउडर लेना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है, एंड दैट्स इट। इट्स वेरी डिलिशियस एंड वेरी फिलिंग। इसके अंदर है हाई स्ट्रेंथ ट्रिपल ब्लेंड ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्रोटीन्स मेड ऑफ वे, सोया एंड कैसीन, जो आपके एनर्जी एंड स्टैमिना को इम्प्रूव करते हैं। एंड साथ ही दिस प्रोडक्ट मीट्स द 100% रिक्वायरमेंट ऑफ आर डेली बायोटिन नीड। उसके साथ साथ ना इसमें है कोलाजन बिल्डर विद आमला एंड चेरी एक्सट्रैक्ट्स एंड विटामिन सी, जो हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखने में मदद करते हैं। साथ ही गार्सिनिया एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो आपके हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो चलिए मैं इसे फिनिश करती हूँ और फिर निकलती हूँ जल्दी से। एंड आप लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई करना ना भूलें, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसे परचेज करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई ऑर्डर माइन फ्रॉम hkvitals.com। और हाँ, अगर आप एडिशनल 10% ऑफ चाहते हैं तो Deepika10 मेरा कोड है, उसे यूज करना ना भूलें। हाँ जी, आप इसे कब उठाएंगी? हाँ? आप इसे कब उठाएंगी? मुझसे नहीं उठा। बैठो इधर, बैठो बैठो। हाँ? कोई घबराने की जरूरत नहीं, बैठो। मुझे डर लग नहीं, कुछ नहीं होगा पागल। हाँ, एकदम आराम से। देखो अली बाबा, अली बाबा, रिजा बुआ की गोद में पहली बार। क्या बात है, देखो कितने सुकून से सोया है, ठीक है ना? अब आगे रोज एक बार प्रैक्टिस। हाँ, बस इनिशियल डर की बात थी। देखिए अभी कितने अच्छे से पकड़ा हुआ है। जाने से पहले दादी से तो जरूर मिलके जाएंगे। पहुंच गए हैं हम लोग लोखंडवाला। आज एक्चुअली शोएब भी अक्रम के यहाँ गए हैं, तो आज पहली बार आई थिंक इसके साथ ऐसा हुआ है, रूहान को लेके मैं अकेले निकली हूँ और शोएब अलग गए हैं, तो इसलिए वो जाते वक्त बड़े ऐसे हो रहे थे कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। और हम लोग पहुँच गए लोखंडवाला क्योंकि मम्मी को है शॉपिंग करनी है। और उससे पहले ना मैं सबसे पहले जा रही हूँ सोसाइटी स्टोर, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ सामान देना है। तो तब तक मम्मी बैठेंगी रूहान के साथ गाड़ी में, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे भगवान कलेक्शन, मम्मी की शॉपिंग करेंगे और फिर चलेंगे घर। हाँ जी, तो पहुंच गए हम लोखंडवाला, और सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा मैं आ गई सोसाइटी स्टोर्स, क्योंकि मुझे काफ़ी सामान लेना था। ये है नीचे का सेक्शन, यहाँ से मैंने जो भी ग्रॉसरी का सामान लेना था वो ले लिया, और अब जा रही हूँ ऊपर। ऊपर मेनली इनका क्रॉकरी एंड किचन सेक्शन है, यहाँ से भी मुझे कई सारी चीज़ें चाहिए, सो चलिए लेते हैं।
सो मुझे ये ट्रांसपेरेंट बकेट्स लेनी है जो वैसे हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो ये मैं ले लेती हूँ। ये बहुत क्यूट लगा मुझे, तो ये मैंने ऐसे दो ले लिए हैं, इसे मैं बेडरूम में रख के इसमें काफ़ी कुछ रख सकती हूँ। एंड ये है इनका ग्लासेस का सेक्शन, ये थोड़ी प्रीमियम कलेक्शन है, मुझे डेली यूज़ के हिसाब से चाहिए तो मैं यहाँ से लूँगी। अभी मुझे इन्होंने बताया है कि इनका जो फ्रेश स्टॉक है, ऑब्वियसली फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो फ्रेश स्टॉक आने वाला है बहुत सारा, तो वो लगभग एक हफ्ते के बाद आएगा। सो मैं फिर से आऊँगी क्योंकि हमें घर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, और फिलहाल जो जो मेरे लिए ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने ले लिया है, और अब मैं जल्दी से बिलिंग करवा के चलती हूँ उससे पहले कि रूहान कार में मम्मी को परेशान करने लगे। जल्दी से निकलते हैं। और जाते जाते मेरी नज़र पड़ गई इन कोस्टर्स पे, तो ये मैंने ले लिए, एंड इन चॉकलेट्स पे, नीचे जब बिलिंग हो रही थी तो पीछे ही चॉकलेट्स का काउंटर है, मैंने चॉकलेट्स भी ले ली। चलिए बिलिंग डन, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। सो लास्ट टाइम जब मैं आई थी सब पूछ रहे थे रूहान के बारे में, तो आज हम लोग आए, रूहान के साथ आए, सब मिले, बहुत अच्छा लगा। एंड ये देखिए, ये भी बड़ा इन्जॉय कर रहा था क्योंकि इसे हर तरफ कलर्स दिखाई दे रहे थे, तो बहुत हैप्पीली सारे कलर्स को देख रहा था। सो मम्मी को मैंने भेज तो दिया कि आप देखो आपको क्या चाहिए, लेकिन वो हमेशा अपने लिए सूट सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाती हैं। आई थिंक ऑल द मदर्स आर द सेम। और फिर मैंने जो है जाके मम्मी की हेल्प की, एंड हमें जो जो पसंद आया हमने फटाफट ले लिया। हाँ जी, हो गई अच्छे से शॉपिंग? हाँ बहुत अच्छे से, हैप्पी, बहुत खुश हूँ, सब पसंद आया ना? बहुत पसंद आया। सो बहुत समय से ये ड्यू था मम्मी के लिए, डेली वेयर की बेसिकली हमको सूट्स लेने थे, क्योंकि हैवी तो कैसे होता है, जब ओकेजन आता है तब हम लोग ले लेते हैं और फिर वो रखे रह जाते हैं, फिर आप वो रोजाना में नहीं पहन सकते। फिर हमने मिंत्रा से ऐसे कुछ रेडीमेड भी मंगवाए थे, पर मम्मी को वो एक सिलवा के जो पहनते हैं उसकी फिटिंग अलग ही होती है, और मम्मी को शुरू से वो ज़्यादा, शी प्रेफर्स स्टिच सूट्स मोर, तो इसलिए बहुत पेशेंस रखा मम्मी ने और आज फाइनली हम लोग आ गए, और हमने हालांकि बहुत जल्दी 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 शॉपिंग की, लेकिन अच्छे अच्छे मिल गए, हाँ मम्मी के पसंद के, और कलर्स बहुत अच्छे मिले, कलर्स के वेरिएशन सब मिल गए हैं, तो यस। और अब थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, कुछ हम लोग इतने एक्साइटमेंट में शॉपिंग के थे, आज मुझे सोसाइटी स्टोर में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई, ये जो बास्केट्स मिली हैं वो सब भी बहुत अच्छा था, आज सक्सेस रहा, हाँ आज मतलब जल्दी जल्दी काम हुआ लेकिन अच्छा हुआ। और अभी हम आ गए हैं मस्त चाय पीने, टिफिन तो हम घर से कैरी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक मलाई पाव ज़रूर खाऊंगी, तो आज मैं घुमा के फिल्म सिटी के यहाँ लेके आई हूँ, जहाँ से शोएब मलाई पाव खिलाया करते थे, और आज निक्कू भी साथ में है, निक्कू भी आ गया, वो हमको यहीं पर मिल गया, तो ये सभी खाते पीते हैं और फिर घर चलते हैं। तो मैं निक्कू से पूछा यहाँ क्या क्या मिलता है, तो इसने मुझे लालच दे दी कि यहाँ ऑमलेट पाव भी बड़ा अच्छा मिलता है, तो चलो एक ऑमलेट पाव भी चिपका लेते हैं। ठीक है, लेके आता हूँ। ठीक, गरम ना हो, बहुत गर्म होती है, आराम से टेस्ट, एटलीस्ट वन बाइट इसमें से लीजिए। अरे मैं पूरा नहीं खाऊंगी पागल, तीन रोल की जैसे मलाई है इसमें। डोनट के जैसा, हाँ।
वो पहले टाइम पे मिला करता था ना क्रीम भर के डोनट, अभी भी मिलता है? नहीं अभी वैसा नहीं मिलता, अभी वो हाई फाई वाले डोनट मिलते हैं। वो पुणे में अभी भी वही बेकरी में बनते हैं। अच्छा, ऐसे ना पूरा ऐसे क्रीम लगा के ऐसे डोनट। आज मैं जेन्युइनली शोएब को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। नहीं निकू जी, आज हम शोएब की पसंद की सारी चीजें खा रहे हैं, चाहे वो मलाई पाव हो, चाहे वो ऑमलेट और पाव हो। सो मिस यू शोएब। और निकल गए हम घर के लिए, एंड एज यूजुअल मुंबई का ट्रैफिक। तो ये देखो मम्मी भी सो गई और यहाँ पे सुकून से रूहान भी सो रहा है और मैं बैठी हूँ गाने सुन रही हूँ। ये देखो दिन भर दूर रह के आते ही गुड पापा टाइम नींद में सुला दूंगा। ये देखो इनका हमेशा का है, उठा देते हैं। क्या सारे पापा लोग ऐसे ही होते हैं क्या? मैं रियली ये जानना चाहती हूँ कि सारे मम्मी पापा का यही होता है कि पापा को आगे मस्ती करनी होती है तो वो उठा देते हैं और मम्मियों को सुलाना होता है। ऐसा होता है बताइएगा, क्योंकि यहाँ तो होता है शोएब को हमेशा उसके साथ मस्ती करनी होती है। है ना, उसको अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गुप सोया है। सो ये मस्त से अभी सो रहा है शोएब की गोद में, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत जल्दी उठ जाएगा। या ये देखो उठ गया। सो चलो अब इनकी मस्ती शुरू हो जाएगी। इससे पहले मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म कर देती हूँ। आप बताइएगा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल गाइस, बाय 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 बाय। Bye-bye. 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 Bye-bye.